देखते ही देखते यहाँ मस्ती छा गई और मस्ती मस्ती में ये मस्ती चैनल लॉन्च हो गया और मजाक मजाक में काफी लोग आ गए। आप सभी का स्वागत है। ये चैनल बनाना कोई आसान काम नहीं है, मीडिया के बगैर हमारा सब कुछ नहीं चल सकता। और मैं मार्कण भाई और गौतम भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, पूरी टीम का, अनीता का, सबका, कि इतना अच्छा शो सोचा और हमें याद किया। धन्यवाद, थैंक यू। ट्रूली आई फील मार्कण भाई हैज अंडरस्टूड व्हाट कॉमेडी इज अबाउट। यू नो ही सेज आई एम गोइंग टू लॉन्च समथिंग, ही डज इट। अदर पीपल से वी आर स्टिल लॉन्चिंग, हम लोग लॉन्च करेंगे, नए चैनल की बात चल रही है। लॉन्च कुछ नहीं होता, सिर्फ डिनर हो जाता है बाद में। नहीं, अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग यहाँ पर है, बड़ा मजा आता है। एक बार मैं अपने गाड़ी से बाहर निकला, गलती से बहुत बड़ी गाड़ी लेके आया था, सब फोटोग्राफर्स आके मुझे क्लिक किया, कच 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 कच। जब मैं कार से बाहर निकला सब लोग चले गए वहां से, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मेरा पेट देख के यही सोचा कि इसका पहुंच बहुत दूर तक है। मस्ती चैनल आज से शुरू हुआ है, आज से हुआ ना, कल से हो सकता था कि, लेकिन कल भारत बंद था इसलिए नहीं हुआ, आज से हुआ। और मेरी और हम सब की प्रार्थना है ईश्वर से कि ये मस्ती बहुत सुपर हिट चैनल बने, नंबर वन चैनल बने, हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का, ये हमारी शुभकामना है। क्योंकि हम इनसे जुड़े हुए हैं और हम इनसे जुड़े नहीं भी होते तो भी हमारी यही प्रार्थना होती। भावनाओं को समझो, अगर आपको हो कोई गम जो तो मस्ती देखो और भावनाओं को समझो। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माय एसोसिएशन विद देम इज टू लॉन्ग, इट गोज बैक, एंड वन ऑफ द मोस्ट लाइक शोज ऑफ इंडियन टेलीविजन ऑफ पोएट्री वाहवा वाज मेड बाय देम एंड आई डिड अराउंड 400 एपिसोड्स देन। क्या बात है, सो आई नो देयर पैशन अबाउट द वर्क। यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई फॉर द हिंदी चैनल आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज माय इंग्लिश इज लाइक माय वाइफ। हाँ, तुम्हारा भी सोचेंगे भैया, बट माय इंग्लिश इज लाइक माय वाइफ, आई लव इट बट आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट। आप बहुत हंसने वाले हैं, खिलखिलाने वाले हैं, मुस्कुराने वाले हैं और बहुत ठहाके लगाने वाले हैं। और ज़िंदगी में हंसी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि किसी थिंकर ने कहा है कि जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। और हमारे एक बहुत बड़े दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। थैंक यू सो मच। स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी सर आपको फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ दिस चैनल, पूरी मस्ती टीम को, थैंक यू सो मच। मस्ती के बारे में इतना ही कहूँगी कि सुनते रहो म्यूजिक और मारो डांस की पोज, सुनते रहो म्यूजिक और मारो डांस की पोज, क्योंकि यही है कॉमेडी और म्यूजिक का सबसे बड़ा डोज, सबसे बड़ा डोज। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।